नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयानों पर भी पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है, बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए सांसदों की चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है। पिछले 1.5 साल से घूम रहा हूँ, हर विधानसभा में गया हूँ, वहाँ लगातार हमने लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास का काम किया है। आप उठा के देख लीजिए और पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य हुआ है, इसको देख ले। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब, वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़, 15 साल जनता ने देख लिया है। अब उसके पास कोई विजन नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को। ये तो हमारे कार्यों को बोलते हैं कि हम धान खरीदी हम कर रहे हैं, कितना बड़ा झूठ। कल ही हम लोगों ने कैबिनेट में जो विधानसभा में पारित किया था उसे कल कैबिनेट में मुहर लगाया कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी जाएगी।